कुछ ड्रॉप्स हैं ऑयल के जो मैंने इसमें डाली हैं कढ़ाई में, इसी में मैं वर्मिसली को फ्राई करूँगी। ये हो गया है, अब इसको हल्का सा जब ये इसका कलर चेंज होगा, लाइट ब्राउन होगा, हम इसको निकाल लेंगे इसको फ्राई करके। बस ये हो गया है, इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब फिर से थोड़ा ऑयल ले लेंगे इसमें और इसको होने देंगे थोड़ा। एक प्याज काट के डाला है और इतनी सरसों मैंने डाल दी है। अब इसको फ्राई करेंगे, ये लाइट ब्राउन हो गया है। इसमें धनिया, हल्दी, गरम मसाला, नमक, एक टमाटर काटा हुआ है, इसमें और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं इसको और हेल्दी बनाने के लिए। अब इसको ढंग से पका लेंगे। अभी इसमें ये आलू जो है पके नहीं है, जब तक ये हमारे हमसे कटेगा नहीं तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, फिर से चेक कर लेते हैं। ये टूट गया है आलू, दिस मीन्स ये पक गया है। अब इसको ऐसे थोड़ा सा चला लूँगी खुले में। अब इसमें इसको चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, पानी डाल देंगे थोड़ा सा। मैंने एक कप पानी डाल दिया ड्रॉप्स कि ये इसमें सारे डूब जाएं। अब इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी मैं सो दैट ये और अच्छे से पके। ये हो गया है अच्छे से, इतना सोया सॉस मैं डाल रही हूँ इसमें। अब इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस पे ही इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ये हो गया एकदम टेस्टी टिफिन तैयार बच्चों के लिए। थोड़ा सा देसी घी डाल लिया, आधा चम्मच। इसमें ये आधा कटोरी मैंने दलिया ले लिया है, इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। अब ये हो गया है, इसमें बहुत हल्का सा पानी डालूँगी। और इसमें 2 सीटी, मैं इसमें 2 सीटी आने तक वेट करूंगी, फिर से बंद कर दूंगी।
कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, इसको गरम करेंगे। ये गरम हो गया है, इसमें ये सरसों के दाने हैं, एक प्याज, छोटी प्याज है मैंने काट ली थी, हरी मिर्च डाल दी है, आप चाहें तो नहीं भी डालें, मेरे यहाँ हरी मिर्च तेज नहीं होती है तो मैं इसको डाल लेती हूँ। ये मीठी नीम है, करी हुई थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, छोटा चम्मच धनिया, छोटा चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। हल्का सा पानी इसमें डालूंगी, बहुत हल्का सा, मसाला अच्छे से काट लें। टमाटर ऐड कर दिए, अब इसको पकने देंगे थोड़ी सी देर, 5 मिनट हम इसको पकने देंगे और फिर ढक देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूंगी, ये ज़रूरी नहीं है। ये देखने में इतना अच्छा और हेल्दी लगता है और खाने में तो और भी हेल्दी लगता है। अच्छा, अगर बच्चे नहीं खाते तो इसमें हल्की सी मैं चीनी ऐड कर देती थी पहले, जब अब मेरा बेटा छोटा था, सो दैट उसको टेस्ट आए इसमें। ये सूजी ले ली है, सूजी में थोड़ा सा दही डाल दिया है, थोड़ा पानी, इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर अगर डालना है तो वो डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर, ये ऑनियन है ये इसमें डाल दिए हैं, चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड टमाटो, चॉप्ड कैप्सिकम, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। धनिया, तो इसका अच्छे से एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये ऐसे पेस्ट रेडी कर लिया है, इसको 5 मिनट्स के लिए मैं रख दूंगी। हमने नॉनस्टिक चढ़ा दिया है और इसमें हम ऑयल लगा लेंगे।
और इसमें ये मिक्सचर हम डालेंगे। ये सूजी ले लिए, सूजी में थोड़ा दही डालेंगे। इसमें थोड़ा पानी पानी इसका पेस्ट बनाएंगे। इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा। और इसको चला लेंगे। अब इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे, थोड़ा सूजी इसमें फूल जाएगी। करीब 20-25 मिनट हम इसको ढक के रख देंगे सो दैट सूजी फूल जाए। अब मैं इसमें मैंने ये कुछ कैशियो और एलमंड जो है वो कट करके रखे हैं वो इसमें मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब एक छोटी सी कटोरी में मैंने रिफाइंड लिया है हल्का सा, इसको मैं ग्रीस कर दूंगी इस कटोरी को, सारी साइड से कर दूंगी। अब इस कटोरी में ये मिक्सचर जो है ये मैं स्प्रेड कर दूंगी, थोड़ा कम करूंगी क्योंकि ये फूलेगा अभी। ये हम इडली मेकर में भी बना सकते हैं लेकिन मैं आपको दूसरा वे दिखा रही हूँ। एक कढ़ाई में मैंने पानी ले लिया है, इसको मैं गैस के ऊपर रख दूंगी। अब ये स्ट्रेनर रख लिया है इसके ऊपर, ऐसे मैं 2-4 कटोरियाँ इसके ऊपर रख दूंगी और इसको ढक दूंगी तो ये स्टीम में पक जाएगी। अब इसको अच्छे से बंद कर देंगे ताकि स्टीम बिल्कुल बाहर ना निकले। अब इसको भी खोल के देख लेते हैं और देख लेते हैं पका कि नहीं पका। ये मैंने नाइफ डाला है और ये ऐसे बाहर आया है, इसमें कुछ चिपका नहीं है। दिस मीन्स हमारी इडली रेडी हो गई है तो हम इसको उतार लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने पर हम इसको साइड से चाकू की हेल्प से इनको निकाल लेंगे ऐसे करके साइड से। मैंने इसको नाइफ से कट कर दिया है और ये हो गई है रेडी। इसको आराम से टिफिन में भरा जा सकता है और बच्चे बहुत टेस्ट से खाएंगे इसे। आप चाहें तो इसमें बहुत कुछ और ऐड कर सकते हैं जो हेल्दी हो बच्चों के लिए और उनको पसंद हो।